भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमला पूर्व अध्यक्ष रामू गुर्जर पर किया गया। हमले में उनके भाई बाल बाल बच गए। घटना के विरोध में रामू गुर्जर ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। दतिया में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के बाद फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे। जीतू पटवारी ज्ञापन देने के बाद लौट गए। उनके जाते ही एसपी ऑफिस के सामने युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामू गुर्जर पर बदमाशों ने फायर कर दिया। रामू गुर्जर के भाई के कान को छूती हुई गोली निकल गई। पलटवार करते हुए रामू गुर्जर के भाई ने भी बंदूक से फायर किए। घटना के विरोध में रामू गुर्जर ने रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वारदात में उपयोग की गई राइफल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में गोली चली है। इस घटना में कुल 3 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।